सीधे आपको लखनऊ लिए चल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। 2047 में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बन करके खुशहाल जीवन जी सके। यह जब तक खुशहाल नहीं होगा भारत खुशहाल नहीं हो सकता, और इसलिए इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा में उपलब्ध करवाई है। 2,36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किया है, नहीं तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या होती थी। यहाँ दाम भी बढ़ाया गया और गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया, और नहीं तो आकार प्रभामुख 17 में आए थे, 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। आज ये जरूर हो सकता है कि एमएसपी से ज्यादा दाम मार्केट में मिल रहा है तो हमने फ्रीडम दी है अन्नदाता किसान को, जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचे अपनी फसल। कोई कारण नहीं कि आप सरकारी क्रय केंद्र में, लेकिन कोई नहीं लेगा तो सरकार अपने अन्नदाता किसान की उपज को लेगा और लागत का 1.5 गुना दाम देगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा की और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए। मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। किसान की खुशहाली हो इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम कुसुम की यह योजना भी मोदी जी की स्कीम है, जिसको अभी कृषि मंत्री कह रहे थे किस ढंग से हमने इसको प्रभावी ढंग से किया। और फिर ये प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए पहले फैसले को लेने के लिए करके आगे बढ़ी थी। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी, लोग कह रहे थे कैसे होगा। हमने कहा देखो अगर अन्नदाता किसान ने यहां भेजा है तो मोदी जी की जवान से निकली तो होगा जरूर, चिंता मत। और पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने इसको लागू किया था और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सफलतम योजना के रूप में आगे बढ़ी थी। आज हम सब इसको लेकर आगे बढ़े हैं, विभाग इसमें व्यापक कार्य योजना के साथ आपके पास बढ़ने जा रहा है और इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से करेंगे, लागू करके करेंगे। किसान अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों का पूरी चिंता करती है, उसको संरक्षण भी देगी, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। 2017 के पहले क्या होता था प्रदेश में, न व्यक्ति सुरक्षित था न उसकी फसल सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था न उसकी कृषि सुरक्षित थी, न बिजली थी और न ही किसान को कोई सम्मान ही मिल पाता था, कुछ भी तो नहीं था। अव्यवस्था थी, अराजकता थी। हाँ, बीज के लिए भी परेशानी, खाद के लिए भी परेशानी, पानी भी के लिए भी परेशानी, बिजली के लिए भी परेशानी, और अपराधियों का भय अलग था। आज देखिए हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में राम लला आ ही गए हैं लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं, राम राम कहकर के सब चल रहे हैं। और भाइयों बहनों आपको यही आश्वस्त करने के लिए हम लोग आए हैं, पूरी सरकार यहां पर आई है, सब लोग यहां पे हैं। देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त भी हैं, बिजली विभाग के सभी अधिकारी भी हैं, हमारे किसान यूनियन के लोग जो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं वे लोग भी यहां पर हैं, किसान मोर्चा के लोग भी यहां पर हैं, एक साथ, ये कभी मिलते नहीं है।